हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 5.6 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स की। तो प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस पैराग्राफ ने कुछ टर्म डिस्कस की थी, हमने मैग्नेटाइजेशन डिस्कस किया था, ससेप्टिबिलिटी डिस्कस किया था, मैग्नेटिक इंटेंसिटी डिस्कस किया था। ओके, तो उसमें एक टर्म आई थी ससेप्टिबिलिटी, तो उसी के बेस पर हम क्लासीफाई करेंगे मटीरियल्स को। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी कितना आ गया बेसिकली। ठीक है, तो एक मटेरियल जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, प्लेस करते हैं, तो उसमें कितना मैग्नेटाइजेशन होगा, किस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, ठीक है, उसी के बारे में हमें ससेप्टिबिलिटी जो काई इसका सिंबल है उससे पता चलेगा। ठीक है, तो डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक, इसी बेसिस पे हम क्लासीफाई, ससेप्टिबिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, तो ये इसको अगर डिटेल में समझना है तो प्रीवियस वीडियो देख लेना पहले, उसके बाद इस वीडियो को देखना। ओके, सो द डिस्कशन इन द प्रीवियस सेक्शन हेल्प अस टू क्लासीफाई मटेरियल्स एज डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो जो सब डिस्कशन हमने किया उसी के बेसिस पे हम तीन क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं मटेरियल्स को। इन टर्म्स ऑफ द ससेप्टिबिलिटी काई, अ मटेरियल इज डायामैग्नेटिक इफ काई इज नेगेटिव। ठीक है, अगर काई की वैल्यू नेगेटिव है तो वो डायामैग्नेटिक होगा। पैरा कब होगा, जब काई पॉजिटिव है, और फेरो कब होगा, जब पॉजिटिव है और लार्ज वैल्यू है। पॉजिटिव है, स्मॉल वैल्यू है तो पैरा, और अगर लार्ज है और पॉजिटिव है देन फेरो। ठीक है, और डिटेल में बताऊं तो जो ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा ना, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, और इसमें जो मैग्नेटाइजेशन हुआ, देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक डायरेक्शन में, और मटीरियल भी का मैग्नेटाइजेशन क्या था, मैग्नेटाइजेशन नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जिसमें डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन की वजह से क्रिएट हो रहा है, वो एक ही डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ठीक है, और उसकी वैल्यू अगर स्मॉल है, ठीक है, तो तब पैरामैग्नेटिक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इसमें मैग्नेटिक ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, रिपेल करेगा, अभी इस प्रॉपर्टीज भी देखेंगे इसको, तब डायामैग्नेटिक है। और अगर स्ट्रांगली, ठीक है, इसमें मैग्नेटाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है, तो इस केस में ये हो जाएगा क्या, फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अ ग्लैंस एट टेबल 5.3 गिव्स वन अ बेटर फीलिंग फॉर दिस मटीरियल्स। हियर एप्सिलॉन इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर इंट्रोड्यूस टू क्वांटिफाई पैरामैग्नेटिक मटीरियल। तीनों में तो ये एक टेबल दे रखी है, इसमें मटीरियल्स के बारे में वैल्यू दे रखी है, साई की, काई की वैल्यू, और ठीक है, और म्यू आर की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, उसके बाद एक एप्सिलॉन भी इंट्रोड्यूस किया है, स्मॉल वैल्यू है ना, स्मॉल नंबर है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर है एप्सिलॉन, अभी समझेंगे इसको कैसे। ठीक है, तो एक टेबल देख लेते हैं, डायामैग्नेटिक इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। डायामैग्नेटिक की जो वैल्यू देखो, काई की वैल्यू डायामैग्नेटिक के लिए क्या है, देखो -1 इक्वल और ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0, इस बीच लाई करेगी, 0 से कम होगी हमेशा डायमैग्नेटिक के लिए, और -1 के बराबर होगी, -1 से बड़ी होगी ना, तो 0 से कम और -1 के बीच में लाई करेगी। ओके, और इसके लिए डायमैग्नेटिक के लिए अगर मैं म्यू आर की वैल्यू देखूँ, तो सिंपली देखो हमने ये रिलेशन देखा था ना, जो म्यू आर था वो क्या था, 1 प्लस काई था। ठीक है, तो बस यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पूरी एक यहाँ पर 1 पर ऐड करो तो -1 प्लस 0, 1, 0। ठीक है, यहाँ पर 5 काई प्लस 1 ऐड करूँगा, म्यू आर 0 प्लस 1 1 आ जाएगा ना, तो म्यू आर की वैल्यू डायामैग्नेटिक के लिए क्या रहेगी, रिलेटिव परमिएबिलिटी की 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, इक्वल और ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 म्यू आर की वैल्यू, और म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से कम होगी। इसका क्या मतलब है, देखो म्यू नॉट मतलब परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू मतलब उस मटेरियल की परमिएबिलिटी, तो मतलब जो मटेरियल होगा वो एयर के रिस्पेक्ट में या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड को कम अलाउ करेगा, उसके थ्रू, उस मटेरियल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड एयर से भी कम पास होगी, इसका तो यही मतलब है ना, क्योंकि उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अभी डिटेल में समझेंगे एक एक करके, तब और डिटेल समझ आएगा। पैरा के लिए देखो, डाई के लिए -1 और 0 के बीच में लाई कर रही है, मतलब नेगेटिव में ही है, सिंपल सी बात है, पैरा के लिए पॉजिटिव रहेगी, इसलिए हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस की, ये एप्सिलॉन मतलब क्या है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो 0 से बड़ा और ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं होगी इसकी। ठीक है, और लेकिन और इसके बाद म्यू आर की वैल्यू देखें तो 1 ऐड, फिर से 1 ऐड कर देंगे, रिलेशन हमें पता है 1 प्लस एप्सिलॉन के बीच में होगी। ठीक है, और म्यू म्यू नॉट, देखो अगेन म्यू नॉट से म्यू की वैल्यू क्या है, बड़ी है, यानी कि जो मटेरियल है वो, उसमें जो परमिएबिलिटी मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक फील्ड कितना पास कर रहा है, अलाउ कर रहा है वो
एयर और वैक्यूम से ज़्यादा अलाउ कर रहा है, ठीक है, तभी पैरामैग्नेटिक। और अगर फेरा की बात करो तो वेरी वेरी ग्रेटर देन वन, वन सर काफ़ी बड़ी होगी, काई की वैल्यू और म्यू आर की वैल्यू भी वेरी वेरी ग्रेटर देन, वेरी ग्रेटर देन वन, ओके। और म्यू भी फेरामैग्नेटिक मटेरियल का परमेबिलिटी भी म्यू नॉट से काफ़ी ज़्यादा होगा, मतलब उसमें ज़्यादा एयर के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज़्यादा अलाउ करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको अच्छे से समझ लेना और अच्छे से वैल्यूज को थोड़ा आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम वन बाय वन डाया, फिर पैरा और फेरोमैग्नेटिक डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को और शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।